और आनंद मोहन की रिहाई पर ओवैसी का नीतीश पर बड़ा हमला। जी कृष्णैया की दोबारा हत्या कर रही है बिहार सरकार, ये कहा ओवैसी ने। नीतीश सरकार तुरंत फैसला वापस ले, ओवैसी ने मांग की है। बीजेपी के कई नेता फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। 2024 में कहेंगे नीतीश, दलित के हत्यारे को छोड़ा, ये कहा ओवैसी ने। जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैनुअल के को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैनुअल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप, तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा। और ये कृष्णैया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। और आनंद मोहन की रिहाई पर ओवैसी का नीतीश पर बड़ा हमला। जी कृष्णैया की दोबारा हत्या कर रही है बिहार सरकार, ये कहा ओवैसी ने। नीतीश सरकार तुरंत फैसला वापस ले, ओवैसी ने मांग की है। बीजेपी के कई नेता फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। 2024 में कहेंगे नीतीश, दलित के हत्यारे को छोड़ा, ये कहा ओवैसी ने। जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैनुअल के को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैनुअल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप, तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा। और ये कृष्णैया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। और आनंद मोहन की रिहाई पर ओवैसी का नीतीश पर बड़ा हमला। जी कृष्णैया की दोबारा हत्या कर रही है बिहार सरकार, ये कहा ओवैसी ने। नीतीश सरकार तुरंत फैसला वापस ले, ओवैसी ने मांग की है। बीजेपी के कई नेता फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। 2024 में कहेंगे नीतीश, दलित के हत्यारे को छोड़ा, ये कहा ओवैसी ने। जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैनुअल के को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैनुअल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप, तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा। और ये कृष्णैया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी।